हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं आपकी आज्ञा अनुसार कर्ण को अमोघ शक्ति के प्रयोग पर विवश करके आत्म बलिदान नहीं कर सका। कर्ण को अमोघ शक्ति से वंचित किए बिना अर्जुन काका की सुरक्षा कैसे होगी? और यदि काका सुरक्षित ना रहे तो पांडव जीतेंगे कैसे? पांडव अवश्य जीतेंगे, और वो भी तुम्हारे बलिदान के कारण जीतेंगे। आप जैसे महान योद्धा को डरने की क्या आवश्यकता है मामाश्री? मैं अपने लिए नहीं, युवराज दुर्योधन के लिए डर रहा हूँ, क्योंकि उस मायावी ने सीना ठोक कर कहा था कि वो युवराज दुर्योधन का वध कर देगा। उससे पहले मैं उसका वध कर दूंगा। हे केशव, आज रणभूमि में घटोत्कच की युद्ध कुशलता को देखकर उसकी वीरता को प्रणाम करने को जी चाहता है। ये घटोत्कच भी तो मेरा दुश्मन है, ये मेरी जान पर आ गया है, और फिर भी तुम उस पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करना नहीं चाहते, तो फिर मैं अर्जुन का वध कैसे करूंगा? तो अंगराज, इसका अर्थ ये हुआ कि यदि तुम्हारे पास अमोघ शक्ति नहीं होती तो तुम अर्जुन का वध नहीं कर सकते थे। हाँ, क्यों नहीं कर सकता? तो फिर करो उसका वध। प्रभु, युद्ध भूमि पर मैंने आपकी आज्ञा का पालन ठीक ढंग से किया ना? हाँ घटोत्कच, तुमने तो कल्पना से भी कहीं अधिक अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया है। कौरवों में खलबली मचा कर रख दी थी, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। परंतु प्रभु, मैं प्रसन्न नहीं हूं। प्रसन्न नहीं हो, पर क्यों? मैं आपकी आज्ञा अनुसार कर्ण को अमोघ शक्ति के प्रयोग पर विवश करके आत्म बलिदान नहीं कर सका। कर्ण को अमोघ शक्ति से वंचित किए बिना अर्जुन काका की सुरक्षा कैसे होगी? और यदि काका सुरक्षित ना रहे तो पांडव जीतेंगे कैसे? पांडव अवश्य जीतेंगे, और वो भी तुम्हारे बलिदान के कारण जीतेंगे। सच प्रभु? हाँ घटोत्कच, और इसका उपाय मैंने सोच लिया है। कल तुम्हें अपनी संपूर्ण शक्तियों का भरपूर प्रयोग करना होगा, और तुम्हारे हर प्रहार का लक्ष्य होगा दुर्योधन। दुर्योधन? परंतु मुझे तो कर्ण को अमोघ शक्ति के प्रयोग पर विवश करना है, फिर मैं कर्ण की जगह दुर्योधन को निशाना क्यों बनाऊं? इसलिए कि दुर्योधन कर्ण का सबसे प्रिय मित्र है, और उसके उपकारों को चुकाने के लिए कर्ण कुछ भी कर सकता है। यदि दुर्योधन के प्राण संकट में पड़ जाएं, तो कर्ण अपने प्राणों को दांव पर लगा सकता है, यहां तक कि उसकी जान बचाने के लिए कर्ण अमोघ शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है। हाँ, अब समझा प्रभु। तो फिर कल तुम दुर्योधन को तलवार की नोक पर उठाए रख लो। दुर्योधन अपने प्राणों के लिए जितना चीखेगा चिल्लाएगा, कर्ण उतना ही व्याकुल हो जाएगा, और अंततः वो उसे मृत्यु के पंजे से छुड़ाने के लिए विवश होकर तुम पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करेगा। प्रभु, कल मेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए आशीर्वाद दीजिए। आश्चर्य की बात है, घटोत्कच कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं आ गया हूं युवराज दुर्योधन, मैं आ गया हूं। तुम्हें मेरी ही प्रतीक्षा थी ना, मैं आ गया हूं।
तुम्हें कौन बचाएगा? महारथी, मेरा रथ दुर्योधन के पास ले चलो, चलो। युवराज दुर्योधन, आज तुम्हारा वध करके इस झगड़े की जड़ को उखाड़ कर फेंक दूंगा। इसे क्या हो गया है भांजे? ये तो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ गया। दुश्मन हो रहा है, इसका किसी भी तरह से वध कीजिए अंगराज, किसी भी तरह से। दुर्योधन का अंत करने से पहले कोई भी मेरा वध नहीं कर सकता, अंगराज कर्ण भी नहीं। राताश्री, लगता है आज महाबली घटोत्कच युद्ध का निर्णय करके ही लौटेंगे। आज कौरवों का संपूर्ण विनाश निश्चित है। तुम ठीक कह रहे हो नकुल, क्योंकि मेरे पुत्र घटोत्कच पर प्रतिबंध लगाना कौरवों के बस की बात नहीं। होकर कहीं कोई घातक प्रहार न कर बैठे, मुझे तो इस अनिश्चितता के कारण डर लगने लगा है। आप जैसे महान योद्धा को डरने की क्या आवश्यकता है मामाश्री? मैं अपने लिए नहीं, युवराज दुर्योधन के लिए डर रहा हूँ, क्योंकि उस मायावी ने सीना ठोक कर कहा था कि वो युवराज दुर्योधन का वध कर देगा। उससे पहले मैं उसका वध कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिए मामाश्री। कैसे निश्चिंत रहूं अंगराज कर्ण, कैसे निश्चिंत रहूं? आपके किसी भी अस्त्र का घटोत्कच पर असर हो नहीं रहा है, और एक आप है कि अपनी अमोघ शक्ति का प्रयोग करना नहीं चाहते। अंगराज, ये क्या हो रहा है? अंगराज, ये क्या हो रहा है? जल्दी कीजिए, जल्दी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। Thank you.
घटोत्कच का पराक्रम, बड़े बड़े वीरों और महावीरों को कैसे तिनकों की तरह हवा में उड़ा रहा है। कौरव सेना त्राहि त्राहि कर रही है। अमरश्री, हमारी कौरव सेना की दशा देखकर ऐसा लगता है कि हमारी सेना का कोई नायक नहीं है। हाँ भांजी, इससे तो अच्छा होता कि तुम कृपाचार्य को ही सेनापति बना देते। अमरश्री, कुछ भी अनाप शनाप अपने मुंह से मत निकालिए। ठीक है अंगराज कर्ण, यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने भांजे की मृत्यु का नाटक देखता रहूं, तो यूं ही ठीक है। धांधा नरेश, आपकी जीवा कब तक अंगारे बरसाती रहेगी? अब तो सच बोलना भी पाप हो गया है अंगराज। तो आप चाहते क्या है? दो मित्रों के बीच दरार डालना चाहते हैं आप? मित्र कहते हो तो मित्रता निभा कर दिखाओ कर्ण। मैं क्या करूं आखिर? अपने अमोघ शक्ति का प्रयोग करो अंगराज, अमोघ शक्ति का प्रयोग। हाँ मामा श्री ठीक कह रहे हैं, अमोघ शक्ति का प्रयोग मैं अवश्य करूंगा, परंतु कब? मेरी मृत्यु के बाद? ऐसी अशुभ बातें मुंह से क्यों निकाल रहे हो मित्र? मरे तुम्हारे दुश्मन, दुश्मन तो तब मरेंगे जब तुम उन्हें मारोगे। हे केशव, आज रणभूमि में घटोत्कच की युद्ध कुशलता को देखकर उसकी वीरता को प्रणाम करने को जी चाहता है। ये घटोत्कच भी तो मेरा दुश्मन है, ये मेरी जान पर आ गया है, और फिर भी तुम उस पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करना नहीं चाहते, तो फिर मैं अर्जुन का वध कैसे करूंगा? तो अंगराज, इसका अर्थ ये हुआ कि यदि तुम्हारे पास अमोघ शक्ति नहीं होती तो तुम अर्जुन का वध नहीं कर सकते थे। हाँ क्यों नहीं कर सकता? तो फिर करो उसका वध। निकालो अपनी अमोघ शक्ति अंगराज, निकालो। क्या सोच रहे हो कर्ण? आ रहा हूं दुर्योधन, मैं आ रहा हूं, देखता हूं तुम्हें कौन बचाएगा। युवराज दुर्योधन के प्राण संकट में है, युवराज दुर्योधन के प्राण संकट में है, युवराज दुर्योधन के प्राण संकट में है। आज ही ये युद्ध मैं समाप्त कर दूंगा, आज ही। अंगराज, घटोत्कच आ रहा है, उसे अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं रोक सकता, और तुम उसे रोकना नहीं चाहते। वो मुझे मारना चाहता है ना? मार लेने दो मुझे, कर लेने दो मेरा वध, परंतु मैं किसी कायर की भांति नहीं मरूंगा। मैं घटोत्कच से युद्ध करूंगा, युद्ध। और कर्ण, तुम मेरी लाश पर खड़े होकर अपने अंतिम इच्छा पूरी करना। हाँ कर्ण, हाँ, तुम मेरी लाश पर खड़े होकर अर्जुन पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करना। मैं जा रहा हूं, रुक जाओ युवराज, मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा, तो फिर निकालो अपनी वास्तविक शक्ति को, निकालो, निकालो अपनी अमोघ शक्ति अंगराज, निकालो। परम मित्र, निकालो।
मेरे काका धनंजय पार्थ अब बिल्कुल सुरक्षित है। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु।